अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकनोलॉजी में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार समोसा चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सब ने कहीं ना कहीं से समोसा चाट तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन ये वाली समोसा चाट सबसे मज़ेदार होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, एंड तक देखिएगा और कमेंट की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले समोसा चाट के चने तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और एक बड़े साइज़ की प्याज ग्राइंड करके ऐड की, फ्राई किया थोड़ा। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन अदरक ऐड करके मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, प्याज़ों में ऐड किया। ऊपर से ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला। अच्छे तरीके से भून के मसाला रेडी करना है। वन चौथाई कप उबले हुए चनों का पेस्ट बनाया और साथ ही एक बाउल चने हैं ऐड किए। एक कप पानी ऐड किया और तकरीबन 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूंगी कवर करके। समोसों की डो के लिए 1 कप मैदा लिया, आधी चाय की चम्मच नमक ऐड किया और 1 खाने का चम्मच घी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मसल के मैदे और घी को अच्छे तरीके से मिक्स किया। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच अजवाइन ऐड की और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी सी परफेक्ट डो तैयार करनी है। डो सॉफ्ट नहीं होगी, थोड़ी हार्ड होगी। डो रेडी हो गई है, अच्छे से कवर करके इसको मैं 30 मिनट के लिए रख दूँगी। चने हमारे रेडी हो चुके हैं। 50 ग्राम इमली को मैंने पानी में बॉईल करके अच्छे तरीके से उसका पल्प रेडी कर लिया है, ऐड किया और उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया। 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च और आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च और आधी चाय की चम्मच नमक ऐड करके मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट हो चुका है, अभी मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए, अच्छी सी चटनी रेडी हो जाए। जी, आलू बुखारे की चटनी रेडी है। 3 चम्मच ऑयल ऐड किया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की, थोड़ा फ्राई करूँगी। 3 अदद सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट के ऐड किया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च और आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च ऐड की, आधी चाय का चम्मच नमक ऐड किया और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा सा मसाला भुना। 2 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू ऐड किए और ऊपर से ऐड किया मैंने थोड़ा सा धनिया। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है, अभी बस इसको मिक्स करके उतार लूँगी। अभी मैं समोसे बनाऊँगी। 1 कप मैदे से 8 समोसे बनेंगे। 4 पेड़े बने, 1 by 1 इनको बेल लिया। बिल्कुल गोल नहीं बेलूंगी मैं, थोड़ी लंबाई की सूरत में बेलूंगी। देखें इस तरीके से बेलनी है रोटी। बीच में से हाफ कट किया, अंदर वाली साइड को पानी लगाया इस तरीके से और फोल्ड करते हुए इस तरीके से प्रेस करके लॉक कर दिया और ये अच्छे से भर भर के फिलिंग ऐड की आलू की और थोड़ा पानी लगाकर ये साइड भी बंद कर दी। देखें कैसी ज़बरदस्त शेप बनी है। बाकी भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। अंदर पानी लगाया, फोल्ड किया अच्छे तरीके से, सख्त हाथ से लॉक किया ताकि खुल ना जाए, फिलिंग ऐड की और ये साइड भी बंद कर दी। देखें 8 समोसे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी, मीडियम फ्लेम पे फ्राई होंगे। 2.5 से 3 मिनट के बाद मैंने इनको पलट दिया है, इतना ही टाइम इधर लगेगा।
देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी समोसे रेडी हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब मैं समोसा चाट प्लेट तैयार करूंगी। दो समोसे लिए, बीच में से थोड़ा सा प्रेस किया, चने डाले जितने आपको पसंद हैं और उसके ऊपर मैंने आलू बुखारे की चटनी ऐड की, धनिया पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी दही के साथ बनाई है वो ऐड की। ऊपर से जाएंगे प्याज और थोड़े से टमाटर जितने आपको पसंद हैं। देखें माशाल्लाह कैसी खूबसूरत प्लेट रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।